इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात भी जमा करवा दी गई। तफसीली फैसले पर हुक्म इम्तना भी मांगा गया है। मजीद बताएंगे जहांजेब अब्बासी। इलेक्शन कमीशन ने अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया, अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी गुजारिशात जमा करवाते हुए मौकफ इख्तियार किया। तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। आज़ाद अरकान 3 दिन में सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने फैसले में 15 दिन दिए। तहरीक इंसाफ ने जजेस चैम्बर के लिए जो दस्तावेजात जमा करवाईं वो खुली अदालत की कार्रवाई में कभी पेश नहीं की गई। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।